Good evening and praise the Lord, dear friends, and welcome to the Bible study hour of the LifeSpring Assembly. और आज शाम मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे भाइयों बहनों और मित्रों और स्वागत करता हूँ आज के समय हमारे बाइबल अध्ययन के समय में. We praise God for the fullness of the Holy Spirit and for the anointing upon both us and you as you listen. और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए और उसके अभिषेक के लिए जो हमारे और आपके ऊपर है जैसे आप सुनते और हम इस अध्ययन में आपको लेकर चलते हैं. Remember, we are considering looking now into the chapter 9 of 1 Corinthians. और याद रखिए हम पहला कुरिन्थियों उसके 9वे अध्याय के अध्ययन में हैं. This chapter deals, as you know, with ministers or preachers. Right to be financially supported by the people to whom he preaches. और ये अध्याय बात करता है कि किस तरीके से एक अगुए, एक पाजवान, एक सुसमाचार प्रचारक के पास ये अधिकार है कि वो उस कलीसिया के द्वारा अपने आर्थिक सहयोग को पाए जहां वो सेवा को करता है. And we thank God for the Holy Spirit who comes to our help. To understand what God's word is speaking to us. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो हमारा सहायता करता है परमेश्वर के उस वचन को समझने में. Now, let us look into verse 18. और आइए हम 18वें वचन की ओर देखें. तो मेरी कौन सी मजदूरी है यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत करके दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं. I hope all of you have understood clearly what that verse says. और मुझे पूरी आशा है कि इस 18वें वचन को आप सब समझने पाए होंगे कि ये वचन क्या कह रहा है. And Paul is saying he did not have to preach without pay. और पौलुस यहाँ पर यह कह रहा है कि उसे बिना अब अपनी मजदूरी पाए प्रचार करना जरूरी नहीं था. And he did not have to give up this right or that privilege. और वो अपने इस सौभाग्य और अधिकार को त्यागना भी नहीं चाहता था. Paul had the right or power to be paid by the Corinthian church. और पौलुस के पास वो अधिकार और सामर्थ्य था कि उसकी सेवा के लिए कुरिन्थ की कलीसिया से वो अपने आर्थिक सहयोग को पाए. But लेकिन he did not receive payment. उसने फिर भी वहां से किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग को नहीं लिया. We may ask immediately, why not? उसने हम तुरंत ये पूछ सकते हैं क्यों नहीं. From his master's example, Paul too had learned to be gracious and giving. और पौलुस ने अपने स्वामी के उदाहरण से यह सीखा था कि कैसे उसे भी देने वाला उदारता के संग देने वाला बनना है. If Christ could give up life, और अगर मसीह अपने जीवन को दे सकता है, Paul could give up his right. तब पौलुस अपने उस अधिकार को भी त्याग सकता है. His right to be supported. कि वो अधिकार कि उसका आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए. And his master pay much more than giving up financial help. और उसके स्वामी ने उसको कहीं ज्यादा और दिया उन आर्थिक सहयोगियों से ज्यादा. He gave up his own life. उसने मसीह ने अपने जीवन को दे दिया. He wanted the reward of preaching the gospel free of charge. That was Apostle Paul's attitude. और पौलुस चाहता था कि वो सुसमाचार का प्रचार बिना किसी आर्थिक सहयोग को लिए करे और इस पुरस्कार को वो पाना चाहता था. And what will be the reward? और वो पुरस्कार क्या होगा? Number one. पहला. Seeing people saved and free of charge. कि वो देखे कि कैसे लोग बिना किसी दाम चुकाए बचा लिए गए हैं. And secondly, दूसरा, the confidence of people in him that he was free of greed. कि लोगों का वो भरोसा उसके ऊपर कि कैसे वो बिना किसी उस दुख के और उस पीड़ा से आजाद है. And thirdly, और तीसरी, removal of any charge that he was in the ministry for comfort
and money. और इस दोष से बचने के लिए जो उस पे लोग लगा सकते थे कि वो सेवा में है पैसे और आराम के लिए. Now we must take care. लेकिन हमें भी ध्यान बरतना है. That this does not mean that a minister is to work for nothing. और इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेवक को किसी भी चीज काम करना है लेकिन कुछ मिलना नहीं चाहिए. On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर, the church ministers too must pay him and pay him well. तो जिस कलीसिया में वो सेवा करता है तो उस कलीसिया को उसे अच्छी रीति से सहयोग करना है. But the lesson here for us is this. लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा हमारे लिए है वो ये है. We must preach out of necessity, not for money. और हमें तो प्रचार करना है लेकिन पैसे की आवश्यकता या जरूरत को ध्यान में रखते हुए नहीं. We must minister the purpose of helping people and not to get gain. और हमें लोगों की सहायता करने के लिए उनकी प्रचार करना है ना कि अपने लिए कोई लाभ उठाने के लिए. We must serve people and not use them. और हमें लोगों की सेवा करनी है ना कि उनका उपयोग लाना है. Now what is the purpose of it all? और इन सारी बातों का उद्देश्य क्या है? The purpose is not to abuse or make full use of his power or right in the gospel. कि वो सुसमाचार में अपने अधिकार का गलत प्रयोग ना करे. Paul had to provide a way in which the gospel might be more powerfully and successfully spread. और पॉल उसको एक मार्ग या एक ऐसा तरीका मुहैया कराना था जिसके द्वारा सुसमाचार बड़ी तेजी से और सामर्थ्य रीति से फैलने पाए. And Paul caught the same spirit which was in Christ. और पॉलुस ने उसी आत्मा को अपने भीतर रखा जो खुद प्रभु यीशु के भीतर थी. Christ's motivation for preaching the gospel, preaching the kingdom of God, was the salvation of man. और प्रभु यीशु मसीह का वो प्रोत्साहन कि वो सुसमाचार का प्रचार करे, वो प्रोत्साहन तो था मनुष्य का उद्धार. And Jesus committed everything to this end. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए हर एक बात को समर्पित कर दिया. In one small sentence, it means this. और एक छोटे से वाक्य में इसका ये मतलब है. He gave up all what he was and all what he had. उसने yes. हर एक वो बात को त्याग दिया जो कुछ भी उसके पास था या जो कुछ भी वो पा सकता था. His disciples saw the motivation behind every action of Jesus. और उसके चेलों ने देखा कि किस प्रकार से उसके हर एक कार्य के पीछे किस बात का प्रोत्साहन था. And they too caught the motivation. और उन्हें भी वो प्रोत्साहन मिला. And they caught the same dedication and commitment. और उन्हें भी वही समर्पण और वही भक्ति प्राप्त हुई. Now Paul is calling the church to the same spirit and purpose. और पौलुस भी कलीसिया को उसी आत्मा और उद्देश्य के लिए बुलाता है. And Paul did something to support himself in the ministry. और पौलुस ने अपने आप को सेवा में बनाए रखने के लिए और खुद का सहयोग करने के लिए कुछ बातों को किया. Let us turn to 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. और उसके लिए हम पहला तसलोनिकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 9वें वचन की ओर देखें. क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो. हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो. And then 2 Thessalonians chapter 3 verse 8. और उसके पश्चात दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री तीसरा अध्याय 8वां वचन. और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो. See, my dear friends, the minister of the gospel must constantly search his heart. और मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचारक जो सेवक है उन्हें निरंतर अपने हृदयों को जांचना और परखना है. And make sure that his heart is pure
cleansed of any wrong motive. और इस बात को सुनिश्चित करना है कि उनका हृदय किसी भी प्रकार के बुरे लक्ष्य से या बुरे दृश्य से दूर हो. And let us read a couple of other references. और आइए कुछ और वचनों को हम पढ़ेंगे. Acts chapter 20 verse 28. और प्रेरितों का कार्य उसका 20वां अध्याय 28वां वचन. And 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3. प्रेरितों का कार्य 20वां अध्याय 28वां वचन. इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है. उसके पश्चात पहला पत्रस की 5:2-3. पहला पत्रस 5वां अध्याय 2 और 3 वचन. कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं वरन मन लगाकर. And so consider these passages. और इसलिए इन वचनों को ध्यान में रखिए. And learn seriously the motivation that motivated Paul and drove him forward to fulfilling the Lord's command. और इस गंभीरता को देखिए कि कैसे वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उन बातों के अनुसार पौलुस ने खुद को आगे बढ़ाया. And whatever God has called us for, और जिन भी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, the members of the church also should become partners with the preacher in spreading the gospel. इसलिए कलीसिया के सदस्यों को भी कलीसिया पाजवानों के संग सहयोगी बन जाना है कि वो सुसमाचार का प्रचार करें. For that we need believers' cooperation. और इसके लिए हमें विश्वासियों के सहयोग की आवश्यकता है. And may the Lord grant to us that we shall be ready to give up anything, any right, for the sake of spreading the gospel message. That people may be saved. और इसलिए होने दे परमेश्वर हमें यही आव और ये अनुग्रह दे कि हम परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के लिए किसी भी अधिकार को त्यागने के लिए तैयार हो. And now let us look into another aspect. और आइए अब हम एक दूसरे पहलू की ओर देखेंगे. Paul's method. पौलुस के तरीके. The minister's method is to become all things to all men. और सेवाकार या अगुओ या पासवानों का जो तरीका है सेवा करने का, वो ये होना चाहिए वो हर मनुष्य के लिए हर प्रकार बन जाए. And remember, Paul was absolutely free and belonged to no man. और इसलिए याद रखिए, पौलुस निश्चित रूप से आजाद था और किसी भी मनुष्य का नहीं था. And he was not obligated to confirm. He was not obligated to conform to any man's ideas or opinion. और वो किसी भी मनुष्य के विचारों की ओर नहीं रहता है. He was set free in Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह में इतना आजाद था. And he was obligated only to be conformed to Christ. और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी जवाबदेही को रखता था. That we must remember. और इस बात को हमें याद रखना है. I am obligated to Christ. कि मेरा जवाबदेही परमेश्वर यीशु के प्रति है. If God demanded that I be holy. और परमेश्वर ने अगर इस बात को रखा है कि मैं पवित्र रहूं. And I don't become a rebel. और मैं विद्रोही ना बनूं. It is because he wants us to possess the same heart, same spirit as the apostle Paul. वो इसीलिए है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास भी वही हृदय, वही आत्मा हो जैसा पौलुस के पास है. Now, as I said, a minister's method should be very clear. और जैसा मैंने कहा, एक सेवा कार्य करने वालों के तरीके बहुत स्पष्ट और साफ होने चाहिए. He is to become all things to all men. वो हर मनुष्य के लिए हर बात बनने के लिए तैयार हो. And Paul was free and belonged to no man. और पौलुस तो स्वतंत्र था और किसी मनुष्य को नहीं था. And he was not obligated to conform to any man's ideas or opinions. और इसीलिए किसी भी मनुष्य की आज्ञा, विचारों के प्रति या उसके सुझावों के प्रति वो जवाबदेह नहीं था या दबाव में नहीं था. He was set free
in Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो आजाद किया गया था. And I was obligated only to be conformed to Christ. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो जवाब दे था और उसके प्रति वो बोझ में लदा था. But here Paul says. लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है. That he surrendered himself to be a servant to all men. कि उसने खुद को समर्पित कर दिया कि वो हर एक मनुष्य के लिए एक दास ठहरने पाए. That he might win more men to Christ. ताकि वो और मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतने पाए. Now, this statement can be misunderstood badly. और ये वाक्य को हम गलत रीति से समझ सकते हैं. It does not mean he was compromising his conviction. और इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने विश्वास को अपनी कायलता के संग समझौता कर रहा था. Nor being double-faced. और ना ही दोहरी रूप से वो बात कर रहा था. It mean he was trying to get as close. He went along with as close. और इसका मतलब है वो जितना नजदीक जाना चाहता था उतनी नजदीक जा सकता था. As to anyone to gain their confidence. जिसके द्वारा वो किसी के भी भरोसे को जीत कर उन्हें प्रभु यीशु मसीह की ओर ले आए. And trust him. और उस पर भरोसा करे. So that they would pay attention to his witness to Christ. ताकि वो उस प्रभु यीशु मसीह की अपनी गवाही के लिए एक गवाह ठहरने पाए. What was Paul's standard? और पौलुस का मापदंड क्या था? Paul's standard was Christ. पौलुस का मापदंड था प्रभु यीशु मसीह. He went along with people only as long as nothing violated his walk with Christ. वो लोगों के संग तब तक चला जब तक किसी भी बात ने उसके प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी चाल को रुकावट ना लाया. Paul compromised with others. पौलुस ने दूसरों के संग समझौता किया. Or any group. या किसी भी समूह के साथ. When a spiritual principle was not involved. जब तक कोई आत्मिक सिद्धांत उस समझौते में से ना जुड़ा हुआ हो. But when a principle was involved, लेकिन जब कोई सिद्धांत उससे जुड़ा हुआ है, he would not budge. तब वो किसी भी रीति से समझौता नहीं करता. He would not budge even one inch. तब वो एक इंच भी उसमें समझौता नहीं करता. And let us read two passages. आइए हम दो वचनों को पढ़ें. Acts chapter 21. पेतों का कार्य 21वां अध्याय. 18-27. 18वें वचन से लेकर 27वें वचन तक. Acts chapter 21. प्रेतों का कार्य 21वां अध्याय 18-27. और 18वें वचन से लेकर 27वें वचन तक. दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहां सब प्राचीन इकट्ठा थे. तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए. उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की. फिर उसे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं. उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो. तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे ये कहते हैं वह कर. हमारे यहाँ चार मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है. उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं. तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्होंने तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं, परंतु आप ही व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है. परंतु उन अन्य जातियों के विषय में मैं जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचारियों से बचे रहें. तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उसके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहां बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे. One more passage. एक और वचन. Galatians chapter 2, 3-5.
गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुसाए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाएं। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। Now these passages, two passages, show very clearly how much Paul was willing to go along and do anything in order to gain souls. और ये दो वचन के भाग इस बात को दिखाते हैं कि किसनी रीति तक या किस रीति तक पौलुस जा सकता है लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए। And Paul became a non-religionist to those who did not observe the law. और पौलुस ऐसे लोगों के लिए अव्यवस्थित बन गया जो व्यवस्था को नहीं मानते थे। No, he always obeyed the will of Christ. और वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता था। Which actually includes the commandments of God. जिसमें प्रभु परमेश्वर की आज्ञाएं भी मौजूद हैं। Paul went along with the customs and in order to get next to them and win them to Christ. और पौलुस ने उन रीति रिवाजों को भी जब जरूरत पड़ी पालन किया ताकि उनके नजदीक जाकर उन्हें भी जो व्यवस्था को मानते हैं परमेश्वर के लिए जीत ले। And again Paul became weak to the weak Christians. और ऐसे मसीहों के लिए वो निर्बल बन गया जो निर्बल थे। As that means Paul refrained from doing some things that were perfectly legitimate. और इसका मतलब यह है कि पौलुस ने कुछ ऐसी बातों को करना रोक दिया या छोड़ दिया जो करना कानूनी रूप से सही था। He conformed to their petty rules and ideas just to have an open door and help them grow in Christ. लेकिन पर पौलुस ने उनके विचारों को और उनकी बातों को सुना ताकि किसी रीति से उसके पास वो दरवाजा खुला रहे कि वो सुसमाचार यीशु के सुसमाचार को उनके बीच प्रचार करने पाए। He laid aside his own personal liberty. और उसने अपनी व्यक्तिगत आजादी को दरकिनार करते हुए and gave up rights in order to reach the new and weak Christians. और अपने अधिकारों को त्याग दिया कि किसी रीति से वो नए और कमजोर विश्वासियों को प्रभु के लिए जीत ले। He became as one of them. और वो उनमें से एक बन गया। For these following reasons. इन कारणों के कारण। He would not become a stumbling block to anyone. वो किसी के लिए भी ठोकर का पत्थर नहीं बनेगा। And secondly, he would not be cause them to shut him out of their lives. By offending them. और वो किसी को भी ये मौका नहीं देगा कि वो पौलुस को अपने जीवन से दूर कर दे और किसी भी रीति से कुछ गलत बोलने के द्वारा। And instead of offending them, his desire was that he may win them. और इसकी बजाय कि वो लोगों को ठेस पहुंचाए, उसकी इच्छा ये थी कि किसी रीति से वो लोगों को प्रभु यीशु के लिए जीत ले। And then lastly, और अंत में, Paul states his purpose in the ninth chapter, verses 22 and 23. पौलुस अपने उद्देश्य को पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 22वें और 23वें वचन में बताता है। This is what he says there. और वहां पर इस प्रकार वो ये कहता है। I have become everything to everyone. मैं सब मनुष्यों के लिए सब बना। So that by all possible means I might save some. ताकि किसी रीति से उनमें सबको उद्धार की ओर खींच लाऊं। Now that was Paul's one heart's desire. और यही पौलुस की एक दिल इच्छा थी। And Paul says he became all things to all men. और पौलुस कहता है वो हर मनुष्य के लिए सब कुछ बन गया। He went to the extreme. When necessary to reach people for Christ. और वो उसकी भी बातों की अंत सीमा तक पहुंचा जब प्रभु यीशु मसीह के लिए उसे लोगों को जीतना था।
not mattered in life was not him and his rights, but the gospel. और इसलिए पौलुस के जीवन में जो बातें मायने रखती थी वो उसके अधिकार नहीं, वो उसके आराम नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उसका सुसमाचार। The gospel was the consuming passion of his life. और पौलुस के जीवन का एक ही जुनून था और वो था प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। And for this gospel he would deny and sacrifice anything. और इस सुसमाचार के लिए वो किसी भी बात को तिरस्कार कर देगा और किसी भी बात का बलिदान करने के लिए तैयार था। And be faithful to the gospel. और उस सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। That he might partake of it with other believers. ताकि वो दूसरे विश्वासियों के संग जुड़कर इसमें सहभागी होने पाए। In all these things. और इन सारी बातों में there was no compromise or complaint. किसी भी प्रकार का समझौता या शिकायत नहीं थी। Compliance. किसी भी प्रकार का समझौता या किसी भी प्रकार की मेल मिलावट नहीं थी। With unchristian principles. या किसी भी प्रकार के गैर मसीही सिद्धांत। You can do all these. और इन सारी बातों को भी आप कर सकते हैं। But he says, but rather love and self-denial were chosen that he may somehow win some. लेकिन वो कहता है फिर भी उसने प्रेम और खुद को त्यागना अच्छा समझा ताकि वो किसी रीति से किसी को जीतने पाए प्रभु यीशु मसीह के। See, Paul did not bend before persecution. और याद रखिए पौलुस उस सताव के सामने झुका नहीं। But where no principle was at stake, लेकिन जहां पर कोई भी नियम नहीं खतरे में था। He would go to any extreme to meet people and win them for Christ. तब वो लोगों के पास जाता था उनसे मिलने के लिए और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए किसी भी अंत तक। Now Paul knew very well. और पॉल इस बात को भली भांति जानता था। That all would not accept his message. कि सब उसके संदेश को ग्रहण नहीं करेंगे। Notice the use of the word some. और देखिए किस प्रकार से वो शब्द का प्रयोग करता है कि कुछ। But he would try and reach as many as possible in order to bring some to the Lord. लेकिन फिर भी वो ये पूरी कोशिश करेगा कि जितने ज्यादा तक वो पहुंच सकता है वो जाए और सुसमाचार सुनाए ताकि वो उन सब में से किस कुछ को यीशु के लिए जीतने पाए। Now here is the right attitude of a preacher called of God must consider his ministry. और यहाँ पर हम एक सही व्यक्तित्व को एक सही स्वभाव को देखते हैं कि कैसे एक प्रचारक को एक अगवे को इस आत्मा के संग चलना चाहिए जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उसके सुसमाचार की सेवा करने के लिए। He was passionate about reaching people. वो तो जुनून में था किसी रीति से लोगों को तक वो जाए। He was passionate about preaching the gospel. और वो सुसमाचार का प्रचार करने में भी बड़ा जुनूनी था। And he would not make any compromise. वो किसी भी प्रकार का समझौता इस बात पर नहीं करना चाहता था। But what is our attitude? लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? As the Bible says, many preach Christ for gain. जैसे वचन बताता है कई प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं लाभ के लिए। That's what Paul said. और इसी बात को पौलुस कहता है। There are many who preach for gain. कि ऐसे कई हैं जो लाभ के लिए सुसमाचार का प्रचार करते हैं। And my friends. और मेरे मित्रों। You make sure. आप इस बात को सुनिश्चित करें। That you would not preach for a cost. कि आप किसी पैसे या दाम के लिए सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे। But preach the gospel for a cause, and that cause should be the salvation of souls. लेकिन ये सुसमाचार का प्रचार आप एक कारण के लिए करें और वो कारण हो आत्माओं का बचाया जाना। Paul was so much passionate passionate for souls coming into the kingdom of God. पौलुस बहुत जुनूनी था कि किसी रीति से वो आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत ले। So this evening, may the Lord's blessing be upon you. और इसलिए होने दे आज की शाम
परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो। We have an obligation. हमारे पास भी एक जवाब, एक जिम्मेदारी है। We are obligated to everyone to hear the gospel. और हमारे पास जिम्मेदारी है कि हम इस सुसमाचार को हर एक तक पहुंचाएं। And so preach to everyone. और हर एक को प्रचार करें। The response may come only from few. और हो सकता है उत्तर सिर्फ कुछ से ही आए। God is not going to be angry. और याद रखिए परमेश्वर नाराज नहीं होगा। But there is a reward. लेकिन एक तोहफा इंतजार कर रहा है। And let us fix our eyes on those rewards. और आइए उस पुरस्कार की ओर हम अपनी आँखों को लगाएं। Let Paul's passion get hold of us. और उन्होंने पौलुस का जुनून हमारे भीतर भी आ जाए। But we will be willing to do anything for Christ. ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने को तैयार हों। Amen. Amen. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर। Holy Spirit of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा। To fulfill your commission, we need the Holy Spirit. हमें तेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। We know that all are not going to be saved. और हम जानते हैं कि सब नहीं बचाए जाएंगे। But at least some. लेकिन कुछ तो बचाए जाएंगे। In the process of our preaching the kingdom of God. और इसमें कि जब हम प्रभु के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। At least some will come to the Lord. कुछ तो परमेश्वर के राज्य में आएंगे। So let us pray for those who are serving the Lord faithfully. और आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर जो तेरी सेवा को विश्वास योग्य रूप से करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen.